दो तीन बातों का ध्यान रखना। एक तो जिनको पेट साफ नहीं होता है वो रात को त्रिफला चूर्ण ले लिया करे, बहुत सरल है और उसका नुकसान कुछ नहीं। जिस भी चूर्ण में सनाई पत्ती होती है वो आंतों को कमज़ोर करता है। जितने भी आप लगभग चूर्ण खाते हो, कायम चूर्ण से लेकर के इधर उधर के तमाम चूर्ण, उनमें सनाई पत्ती होती है, सोनामखी बोलते हैं आप, सोनामखी गुजराती में, ये अतरड़ा माटी सारी नहीं, उससे आँव की बीमारी, कोलाइटिस की बीमारी होती है, आंतें कमज़ोर हो जाती है। त्रिफला सबसे अच्छा है। ज़्यादा ही कॉन्स्टिपेशन हो तो हमने अक्यूट कॉन्स्टिपेशन के लिए एक शुद्धि चूर्ण बनाया है, वो आप ले लेना 2 ग्राम, बस 2 ही ग्राम, ज़्यादा नहीं, मुट्ठा भर के नहीं। नहीं तो सुबह उठते ही तेज गर्म पानी में 25 ml आंवला, 25 ml एलोवेरा पी लो तो पेट भी साफ हो जाएगा और पूरी बॉडी के लिए अच्छा है, मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, आइज के लिए, बालों के लिए, आँखों के लिए, सबके लिए। डाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है, इनडाइजेशन अक्सर लोगों को है, तो क्या करें, चबा चबा करके खाना खाएं, जल्दी जल्दी नहीं। आज से आप छोटे छोटे 5-7 बातों का ध्यान रखना, फिर मैं कल और बताऊंगा। खाने का टाइम डबल कर दो, डाइट आधी कर दो। चार रोटी खाते थे तो 2 कर दो, 2 खाते थे तो 1 कर दो, और टाइम डबल कर दो तो उतना ही समय लगेगा, स्वाद पूरा आएगा, मजा पूरा आएगा, सजा कोई नहीं मिलेगी। दूसरी बात, खाने में सबसे बाद में हम लोग वो खाते हैं फल, और सलाद बीच बीच में खाते हैं, ये कच्चा पक्का उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो सलाद और फ्रूट पहले ही खाना, न बीच में न बाद में। सलाद और फ्रूट कब खाना है? पहले खाना है, एक बात, और उसको भी चबा चबा कर, पपीता, अमरूद, दाड़म, जो भी खाना आपको, मूली, गाजर, चुकंदर, जो भी खाना है पहले खा लो। जिनको भूख नहीं लगती है, पेट बहुत गड़बड़ रहता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, इंडाइजेशन है, कोलाइटिस, गाजर और चुकंदर उबाल करके खाओ, पेट के लिए सबसे बेस्ट होता है। सुबह सुबह स्टीम स्टीम करके, उबाल के में स्टीम करके खा लो, अंकुरते ले लो थोड़ा, और खाने के 1 घंटे बाद पानी पी लो, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, भोजनांते विषमवार। रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पीना 1 ग्लास, सुबह दही, दोपहर छाछ। ये शाम को छाछ पीते हैं ना गुजराती लोग, ये ठीक नहीं है। सांझे छाछ सारी नहीं, ये विरुद्ध आहार छे, याद रखो ना, घना बताओ सांझे छाछ पी, गुजराती 3 टाइम छाछ पिए, ए सारू नहीं। बीजू, જેને કફની પ્રકૃતિ હોય એને તીખું તળેલું ઘી એ નહીં ખાવાનું, કફ પ્રકૃતિ હોય, વાત પ્રકૃતિ હોય તો ખાટું નહીં ખાવાનું, વાત કે પ્રકૃતિ હોય તો ખાટા નહીં ખાના, કફ કે પ્રકૃતિ હોય તો તલાવવા ઓર ચિકનાઈ વાળા નહીં ખાના। થોડા આપણે પ્રકૃતિ કા ધ્યાન રખે, વાત પિત્ત કફ તીન હિ મૂળ પ્રકૃતિ હૈ, કૈસે પતા લગે, થોડી હવા લગને સે ठंडी हवा लगी, थोड़ी ठंडक हुई तो हमारा भीतर का बैलेंस बिगड़ने लगता है, कफ प्रकृति हो जाता है, तो कफ प्रकृति। थोड़ा आसमान में बादल होते हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है, और कहीं ना कहीं पॉइंट जॉइंट पेन आदि होता है तो वात प्रकृति, और थोड़ा सा तीखा तलावा खाया और एसिडिटी आदि होने लगती है तो पित्त प्रकृति, पता लग जाता होता है। कोई ना कोई एक प्रधान प्रकृति होती है, किसी किसी की तो 2, किसी की 3 विकृत हो जाती है। इसलिए प्राणायाम त्रिदोषनाशक, गिलोय की गोली 2-2 खाया करो, या गिलोय का गड़ो आपने कही गुजराती में, गड़ो, नीम गड़ो की गड़ो, एक अजवात छे, इसको पीने से आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है, सर्दी जुकाम कफ एलर्जी डायबिटीज मोटापा डेंगू चिकनगुनिया स्वाइन फ्लू ये सब दूर हो। तो गिलोय तो सबको पता है, ये पूरे देश में होती है, गुजरात में भी खूब होती है, यहीं से पड़ोसी उखाड़ के लाए, ये सब जगह वैसे हम जी गया ना, ए આ ગળો છે, અને આ ગળોમાં એના સંસ્કૃતમાં એનું નામ અમૃતા છે, એટલે જે એનું સેવન કરે ને એનો કોઈ રોગ થાય જ નહીં।
मैं तो चाहता हूँ कि पूरे देश के लोग सुबह सुबह गिलोय पीना शुरू कर दे और प्राणायाम करना शुरू कर दे तो 99% कोई बीमारी होगी नहीं, खाली बेज बात है। गड़ो पियो, प्राणायाम करो, बस आटलू घणो थी गयू। छोटी छोटी बात है, इनका ध्यान रखना है।